सो हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है फिर भी आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, मिस डायरेक्ट या फिर ओपन एडमिशन के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट या फिर ओपन काउंसलिंग या फिर एडमिशन होता क्या है। तो ये बेसिकली ये होता है कि जो कॉलेजेस में जितने भी मेरिट लिस्ट निकलते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस एडमिशन ख़त्म होता है, देन उसके बाद भी अगर किसी कोर्स में सीट बच जाता है तो उसके लिए कॉलेज जो है ऑफलाइन स्टूडेंट को बुलाकर उनका तुरंत से मेरिट लिस्ट जारी करता है अगेन एंड उन जो खाली बचे हुए सीट को फिलअप करता है। तो ये प्रोसेस डायरेक्ट या फिर ओपन काउंसलिंग या फिर एडमिशन कहलाता है। एंड आप सबको तो पता ही है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है निकल चुका है, उसका लास्ट डेट 13 अगस्त को था। तो अब ओपन काउंसलिंग कब होगा? तो ओपन काउंसलिंग का डेट कल को है, मिस 16 अगस्त को। और ये सिर्फ किसी एक कॉलेज के लिए नहीं है, जितने सारे कॉलेजेस हैं बिलासपुर में, DP, DLS, साइंस कॉलेज एंड बिलासा, सभी के लिए ओपन काउंसलिंग का डेट सेम है 16 अगस्त को। टाइमिंग आपका रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम जो है 11 से 1 बजे के बीच में आप पहुँच ही जाइएगा, तभी आपका जो है नाम जो है लिस्ट में लिखा जाएगा अगेन। नाम के साथ साथ आपका परसेंट लिखा जाएगा। देन 2 बजे के बाद आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जितने खाली सीट है उसमें अगेन मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर उसमें आपका नाम आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड ये प्रोसेस होने में आपको शाम के 5 से 6 भी बच सकते हैं, अगर आपको सीट चाहिए ही चाहिए तो ज़रूर से रुक जाइएगा अगर आपको कंपलसरी है तो। देन अगर आपको 2 कॉलेजेस में साथ में तो जाते नहीं बनेगा ऑफलाइन है तो, बट आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हैं। आप 2 कॉलेज में, एक कॉलेज में अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं, एक कॉलेज में आप खुद रह के एडमिशन के लिए वहाँ बैठ सकते हैं। देन अगर किसी एक कॉलेज में नाम आता है तो आप डॉक्यूमेंट्स मंगा लीजिएगा। एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में हमने इन डिटेल वीडियो पहले ही बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो ज़रूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। एंड हाँ, सभी कॉलेजेस में जब आप इंटर करेंगे तो ये ज़रूर से पूछ लीजिएगा कि कौन से कोर्स का एडमिशन जो है कौन से डिपार्टमेंट में या फिर कौन से रूम नंबर पे हो रहा है, क्योंकि सभी जो है PG, UG एंड उनके जितने भी स्ट्रीम्स हैं उन लोग के कोर्सेज के लिए अलग अलग रूम नंबर दिए गए हैं काउंसलिंग के लिए। जस्ट लाइक आपको साइंस कॉलेज का जो है साइड में शो हो रहा होगा, वहाँ पर रूम नंबर वगैरह लिख दिया गया है UG एंड PG दोनों के लिए। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे जब डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाएंगे। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एडमिशन मिल जाए। एंड अगर आपको यहाँ पर डाउट है कि आपका परसेंट कम है फिर आपका एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा डायरेक्ट या फिर ओपन काउंसलिंग में, तो इसका आंसर ये है कि जो थर्ड काउंसलिंग में कट ऑफ आया था उससे लगभग 10% नीचे तक परसेंट वालों का एडमिशन हो सकता है। तो आप इस बात को एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। कभी कभी उससे ज़्यादा वालों का भी हो जाता है क्योंकि सीट खाली जा ही रहा होता है तो ईजिली सीट मिल जाता है। तो ज़रूर से आप लोग ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो। देन अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर किसी भी में जिसमें आपने एडमिशन नहीं लिया, किसी वजह से मे भी आप लिस्ट नहीं देखे हो या फिर आप भूल गए हो, जो भी रीज़न है, तो भी आप कॉलेज जा करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको एडमिशन इजी से मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।